घटना ये है सर कि वो मेरे घर के बगल के चाचा हुए, ठीक है, वो बाज़ार जा रहे थे सब्जी लाने, उसी क्रम में किसी बाइक के द्वारा उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के काफ़ी देर बाद ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया। हम लोग जब घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ कोई बाइक नहीं मिला, ठीक है, वहाँ देखे कि ये रोड के बगल में बेहोश पड़े हुए हैं। हम लोग एम्बुलेंस वाले को बुलाए और वहाँ से इनको ला बैठा कर एम्बुलेंस में फिर हम लोग मुजफ्फरपुर रवाना हुए। मुजफ्फरपुर जब हम लोग पहुँचे तो हॉस्पिटल पहुँचते ही इनका अंतिम संस्कार हो गया जी, SKMCH मुजफ्फरपुर में। ये लगभग 10 बजे का घटना है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, और वहाँ जो एक्सीडेंट हुआ इसका समय लगभग शाम के 5 बजे है। नाम उनका रामदेव प्रसाद है और उम्र उनका लगभग 50+ है, 54-55 साल होना चाहिए, ठीक है। वो मधुबनी घाट के हैं, ठीक है, इनका जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी पड़ता है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र से हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है गाड़ी का भी पता लगा रहे हैं, अगर जैसे ही गाड़ी का पता लग जाएगा हम लोग इसके लिए प्रशासन को भी सूचना देंगे, ठीक है। मेरा नाम संजय कुमार हुआ और वो मेरे घर के बगल के मेरे चाचा हैं, 1 नंबर वार्ड हुआ। मेरे ससुर जी मार्केट जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक वाला आया और मारकर फरार हो गया। हम लोग को दूसरा आदमी कॉल करके बोला कि तुम्हारा रिलेशन वाला आदमी यहाँ पे रोड पे पड़ा है। उसके बाद में हम लोग गए, वहाँ से उठाकर लेकर आए मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में आए, वो डेड कर गए शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे जी। रामदेव प्रसाद, सब्जी लेने के लिए गए थे, वही 50-55 के आसपास में जी। 3 लड़का है 3 लड़की, नहीं सबका शादी हुआ है, कब नहीं हुआ है। क्या करने गए थे? सब्जी लाने के लिए। किस जगह की घटना? मधुबनी चौक मार्केट के पास, मुफस्सिल थाना मोतिहारी। डायरेक्ट हम लोग यहाँ लेकर आए, यहाँ 10 बजे करीब जी। ललनजीत कुमार हूँ मैं, दामाद हूँ। तो आपको पता है सच का आईना।